हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, डेसिमल्स। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला वीडियो रहेगा, इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको इंट्रो समझा दूँ डेसिमल के बारे में, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है ना, केवल डेसिमल से बहुत ज़्यादा डरते हैं। डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें उनको बहुत डर लगता है। तो मैं आपको डेसिमल का थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक समझा देता हूँ, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले चैप्टर में फ्रैक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, उससे आपको क्या होगा कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको आसानी होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आइए, और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। तो देखो, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि डेसिमल एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्रैक्शन हो जाए, चाहे यहाँ पर परसेंटेज हो जाए, या डेसिमल हो जाए, ये तीनों नंबर की एक फॉर्म है, यानी इसमें कुछ अलग नहीं है। हम चीज़ों को जब हम डिनोट करते हैं, जैसे कि आपने बचपन में क्या पढ़ा, वहाँ पर बाबू कितने बॉल हैं, तो पापा जी वहाँ पर एक बॉल है। आपने क्या क्या बताया ना, वहाँ पर एक बॉल है, वहाँ पर कितने बॉयज़ हैं, तो वहाँ पर दो बॉयज़ हैं। तो नंबर्स को आपने जब काउंट करना सीखा था, तो 1 2 करके काउंट करना सीखा था ना, अब उसी को अगर हम कंपेयर करते हैं, तब क्या करते हैं कि वहाँ पर हम फ्रैक्शन का, परसेंटेज का, या डेसिमल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखो, जैसे कि मान लो वहां पर रखा हुआ आधा एप्पल, ठीक है, ये मैं बनाया इस तरीके से, और ये मान लो आधा हमारा एप्पल है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग फ्रैक्शन के टर्म पे लिखना चाहेंगे, तो इसी को हम लोग 1/2 कहेंगे। ठीक है, कि हमारा ये जो एप्पल है, ये 1/2 है। परसेंटेज के टर्म पे अगर इसको हमको लिखना पड़े, तो इसको हम बोलेंगे ये 50% है। और उसी तरीके से अगर हमको डेसिमल के टर्म पे लिखना करें, तो इसको हम लोग 0.5 बोलते हैं। इन तीनों का जो मतलब होता है ना, वो सेम होता है। मैंने आपको बताया ना कि तीनों क्या है, जुड़वा भाई आप कह सकते हो। बस ये जो है ना, अलग अलग तरीके से हम इसमें शो करते हैं नंबर को। अगर फ्रैक्शन में शो करना हो तो इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी होता है आधा, हाफ। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग परसेंटेज में करें, तो जैसे आप लोग कुछ भी करते हो ना, गेम वेम खेलते हो, तो चलो भाई 50-50 बांट लेंगे, अगर जीतेंगे तो 50-50 बांट लेंगे। 50-50 का मतलब क्या होता है, 50%, 50%, यानी कि आधा आधा बांट लेना। समझ में आई मेरी बात? तो 50% का मतलब भी क्या होता है, आधा होता है, हाफ होता है। उसी तरीके से 0.5 जो हम लोग डेसिमल में पढ़ते हैं, उसका मतलब भी क्या होता है, हाफ होता है। तो ये तीनों का आप एक तरह से जुड़वा भाई हैं, जिनका वैल्यू सेम होता है, बस लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग हो जाता है। तो ये हो गया हमारा इसका मतलब, फ्रैक्शन का, डेसिमल का आपने मतलब समझ लिया। थोड़ा सा इंट्रो में आपको मैंने फ्रैक्शन और परसेंटेज भी यहाँ पर क्लियर करा दिया। अब हम लोग समझते हैं कि डेसिमल को लिखा कैसे जाता है। तो देखो, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 5/10, तब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड दोगे 10 से 5 को डिवाइड दोगे, या तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड देकर के आंसर निकालोगे, या तो इसको डायरेक्ट आंसर लिखोगे। तो जब हम लोग फ्रैक्शन में, अब आप डेसिमल में आ गए हो ना, तो इसका ट्रिक पढ़ो। ट्रिक क्या है कि नीचे में हमारा 1 0 है ना, तो ऊपर वाला जितना भी डिजिट है पहले तो उसको उतार लो, जैसे 5 है तो 5 को उतार लो, और नीचे 1 0 है तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद इधर क्या करो, डेसिमल लगा दो। और इधर कुछ भी नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पर 15 रहता, तो मैं पहले 15 उतार देता, और उसके बाद राइट साइड से 1 डिजिट के बाद इधर डेसिमल लगा देता, क्योंकि नीचे 1 0 है। ध्यान रखना, राइट साइड से लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर केवल 5 रहता, जैसे मैं इसको 15 बना दिया, अगर ये केवल 5/10 रहता, तब हम क्या करते हैं कि 5 लिखते, यहाँ पर डेसिमल लगाते, और इस साइड क्या करते, 1 0 लगा देते। कुछ भी नहीं रहता डेसिमल के इधर, तो 0 लगा दिया जाता है। उसी तरीके से अगर नीचे में 100 है, जैसे मैं लिखता हूँ 155 डिवाइड बाई में नीचे दिया हुआ है 100, तब फिर आप क्या करोगे, बस न्यूमरेटर को लिखो 155 लिखो, और नीचे हमारे पास 2 0 है, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पर आप डेसिमल लगा दो। तो अगर आप डिवाइड करोगे ना इस तरीके से, तो भी आपका आंसर इसी टाइप से आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम डेसिमल और चैप्टर पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों को शॉर्ट, जो हमारे ट्रिक्स आप करो जिसका आगे चल करके काम आएगा, उसका हम यूज़ करना सीखते हैं। अगर नीचे 2 0 है, तो राइट साइड 2 डिजिट के बाद डेसिमल, अगर 3 0 जैसे 155 डिवाइड बाई 1000 लिखा हुआ है, तब वहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 2 3, यानी पहले तो 155 को उतारें, नीचे देखेंगे 3 0 है, तो 1 2 3 के बाद यहां पर क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, और इधर 1 0 बढ़ा देंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको क्या समझा दूं, हाँ, इसमें एक चीज में और बच्चे क्या गलती करते हैं, प्लस माइनस करने में गलती करते हैं। तो डेसिमल वाला, जैसे एक नंबर मैं ले लेता हूं 20.54, इसको हमको प्लस करना है कितने में, तो 25 में प्लस करना है, यानी कि एक डेसिमल वाला नंबर है और दूसरा जो है बिना डेसिमल वाला नंबर है। तो हम लोग नॉर्मल जब प्लस माइनस करते हैं, मान लो अगर ये हमारा 20,054 रहता, तब हम 25 को कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते और इसको ऐड कर देते। लेकिन अब चूंकि ये डेसिमल है, तो आपको देखो कैसे करना है, इसको आप लिखोगे 20.54, और ये जो हमारा 25 है ना, उसके बाद अगर कुछ भी नहीं है डेसिमल में, तो भी आप डेसिमल करके 2 0 बढ़ा दो, उससे उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 25.00, यानी कि आपको डेसिमल वाले से ही डेसिमल को ऐड करना है, और मेन नंबर जो हमारा है होल नंबर, उससे होल नंबर को ऐड करना है। ये नहीं कि अगर आपने इस तरीके से लिख दिया, यानी कि 20.54 लिखा और उसके नीचे 25 लिख करके उसको ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक
ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सेम यही काम माइनस में करना रहता है, प्लस में तो आप अगर यहाँ पर जीरो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये मान लो अगर यहीं पर मैं इस तरीके से इसको बना दूँ, क्या कर देते हैं, 25 को कर देते हैं। जैसे कि मान लो 25 में से माइनस करना रहे 20.54, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि पहले तो आप 25 को 25.00 लिखोगे, क्योंकि यहाँ नीचे वाला जो नंबर उसके पास जो हमारा डेसिमल है उसके आगे दो डिजिट है, अगर तीन डिजिट रहता ना तो यहाँ पर मैं 3 0 लगाता, ठीक है। और उसके नीचे फिर लिखोगे 20.54, नहीं तो इसमें भी बच्चे क्या गलती कर देते हैं, केवल 25 लिखते हैं ऊपर में और नीचे 20.54 लिख करके माइनस कर देते हैं, बोल देते हैं यहाँ तो 5.4 बच जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो, और ये 5 उतर गया और ये 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल गलत है, आप इसको चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से कर करके। आपको इस तरीके से पहले तो क्या करना है, डेसिमल बढ़ा देना है। अब क्या होगा कि 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो ये कैरी चलेगा, इसके पास आएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, तो ये 5 जो अपना 1 इसको देगा तो ये 10 बन जाएगा, फिर ये 10 अपना इसको 1 देगा तो खुद 9 बन जाएगा, और लास्ट वाले को 10 बना देगा। तो 10 में से 4 माइनस होकर के 6, फिर 9 में से 5 माइनस होकर के 4, है ना, यहाँ 4 बज गया कैरी देने के बाद, तो 4 में से 0 माइनस होकर के 4 आएगा और ये हमारा 2 में से 2 माइनस होकर के 0 हो जाएगा। तो ये इसका एक्चुअल में आंसर होगा। तो आपको ऐसे ही इनको सॉल्व करना है। ये कुछ कुछ बेसिक सी चीज़ें थे जो मैंने आपको समझा दिया, बाकी जो जो चीज़ें की जरूरत पड़ेगी ना मैं आगे आपको चैप्टर में उसको क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। इंट्रो में इतनी रखते हैं, मेन आपको ये समझना था कि परसेंटेज और डेसिमल और जो हमारा फ्रैक्शन होता है ना, ये क्या कि क्या है, आपस में सेम ही एक तरह से, कुछ अलग चीज़ें नहीं है, बस नंबर को हम इसमें अलग अलग तरीके से शो करते हैं, ठीक। एक चीज़ आपने ये सीखा, दूसरा आपने अगर नीचे में हमारा 10 है, 100 है, 1000 है, तो उसको कैसे लिखा जाता है वो सीख लिया, और सबसे जो मेन जरूरी है जिसका आपको इस चैप्टर में पूरा काम आने वाला है, प्लस और माइनस कैसे किया जाता है वो सीख लिया, ठीक है। इसमें हम लोग और डिटेल में एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तब मैं आपको उसको और डिटेल में समझाऊंगा प्लस माइनस वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा अब ना, जो हमारा एक्सरसाइज करेगा, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ ऑल वीडियोज ऑफ चैप्टर 8 के नाम से जो लिंक दिया हुआ रहेगा उसमें क्लिक करना, तो इस चैप्टर के सारे वीडियोज आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।